मैसेज उनके लिए है जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये जॉब का रिक्वायरमेंट है, वो जॉब का रिक्वायरमेंट है। ना मुन्ना ना, इतना आसान नहीं है जॉब पाना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही सोचे अगर बिना कुछ मेहनत किए, थोड़ा भी डाटा खर्च लेकर कमेंट सेक्शन में पता कर ले कि जॉब है या नहीं है, तो न ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा डाटा खर्च कीजिए अपना, क्योंकि जॉब आपको ही मिलना है, सैलरी आपको ही मिलना है भाई, आपके ही अकाउंट में पर्स में आने वाला है सारा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करें, खर्च करें, फिर पता करें जॉब है या नहीं। ऐसे बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जो बोलता है आपको ऐसा ऐसा इजी, जो जितना इजी लगता है ना उतना एक्चुअल में है नहीं। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करें और ध्यान से कंटिन्यू देखें। डेली वीडियो पब्लिश किया जाता है जो इंडियन टाइम से सुबह 7 बजे यूट्यूब पे और 8 बजे फेसबुक पे। एक्चुअल टाइम 1 सेकंड यहाँ वहाँ नहीं होगा, बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। तो कंटिन्यू देखें, पता करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। अपडेटेड रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, आज का अपडेटेड रिक्वायरमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो सकता है, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव का, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। ओमान का ये रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सल्टेंसी है, कॉन्सल्टेंसी ऑफिस के बारे में बताएंगे जेनविन है या नहीं है। ऑपरेशन फॉर द लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ये हैवी ओपनिंग फॉर द बिलो पोजिशंस। पोजिशंस की बात करते हैं, कौन कौन से पोजिशंस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। पोजिशंस की आप बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट, ENI टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, MW फीटर, रोटेटिंग टेक्नीशियन, पाइप फीटर, फैब्रिकेटर एंड असिस्टेंट फीटर का भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर पब्लिश किया गया है। और इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो नोट कर ले, ये क्या था, अप्लाई करने से पहले ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट उनके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस, ऑयल एंड गैस कंपनी का होना चाहिए। अगर आप अपना CV रिज्यूम भेज रहे हैं तो उससे पहले अपडेट कर ले, उसमें मेंशन करें ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस है आपको बोल के, फिर जाके ये CV सिलेक्शन होगा, फिर आपके पास कॉल आएगा, नहीं तो कॉल नहीं आएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो प्लीज़ अपना मेल CV करें इस मेल ID पे, मेल ID मेंशन किया गया, मेल ID के थ्रू मेल करें। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, व्हाट्सअप डिटेल्स है, क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सल्टेंसी की बात करें, अम्बे इंटरनेशनल जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी, मुंबई की पुरानी और बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है, जरूर अप्लाई करें। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, www.ambeintr.com पे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, जॉनसन कंट्रोल का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, जो कि फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस पे नहीं करना है। सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 27 तारीख को, कहाँ होने वाला है, ये चेन्नई में होने वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू एड्रेस यहाँ पर सिंपली मैंशन किया गया, द वर्क हाफ 7th फ्लोर, फाउंटेन प्लाजा, इग्मोर, चेन्नई का ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। एड्रेस सिंपली यहाँ पर मैंशन है, तो चेन्नई से कोई हमें देख रहे ही नहीं, आप चेन्नई में मैसेज जरूर करें, कमेंट करें, बताएं फटाफट कि कौन कौन चेन्नई से देख रहे हैं हमें, ताकि पता लगे चेन्नई का रिक्वायरमेंट हमें पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, पोजीशंस के HVAC टेक्नीशियन, HVAC फोरमैन, HVAC सुपरवाइजर, HVAC टीम लीडर, चिल्लर टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, विद इमोनिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया, 2000 से 3000 तक सैलरी मेंशन किया गया। एज लिमिट 22 से 45 दिया गया। फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अदर बेनिफिट जो भी है वो कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। अप्लाई करने के प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली मेल ID के थ्रू मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू क्लियर करें। बात करें FQ टूर एंड ट्रैवल्स की, जो कि नंदनन चेन्नई में अवेलेबल है, ये चेन्नई की अच्छी कॉन्सल्टेंसी, जेन्युइन है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं। जेन्युइन होने के बाद भी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा छानबीन जरूर कर लें और सतर्क रहें हमेशा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है। इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर सऊदी अरबिया, फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला मुंबई 28 मई को और कोलकाता 30 तारीख को। तो कोलकाता से कोई हमें देख रहे हैं नहीं, वो भी मैसेज करें फटाफट कि कौन कौन देख रहे हैं, ताकि पता लगे कि यहाँ पब्लिश करना चाहिए। और भी कोलकाता का टॉप कॉन्सल्टेंसी और मुंबई का टॉप कॉन्सल्टेंसी के बारे में भी वीडियो बना हुआ है, इसी चैनल पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं आपके एरिया में, आपके शहर में कौन कौन सी जेन्युइन ऑफिस अवेलेबल है। कैंडिडेट के पास में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड देन रिस्पेक्टिव फील्ड सेम फील्ड का एट्रैक्टिव सैलरी होगा प्लस अदर पर्क के साथ में। अदर बेनिफिट क्या होगा या नहीं होगा, ये आपको क्लियर करना होगा इंटरव्यू से पहले। बात करें पोजीशंस की, यहाँ पे
कैम बॉस कैटरिंग सुपरवाइजर बेकर पेस्ट्री एंड कॉन्टिनेंटल कुक सब कॉन्टिनेंटल कुक इंडियन अरबिक कुक एंड आर्टिसियन बेकरी एंड पेस्ट्री सेफ का रिक्वायरमेंट स्टोर कीपर का भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर पब्लिश किया गया। और जो भी यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कैंडिडेट के पास पे एज लिमिट यहाँ पे दिया गया 45 विद गुड फिजिकल एंड इंग्लिश स्पीकिंग तो कंपलसरी है ये। कुक नीड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट एंड ऑफशोर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देख ले मुंबई चेन्नई कोची त्रिची ये चार ऑफिस है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ भी है तो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी के थ्रू मेल करें। कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सल्टेंसी 100% जेन्युइन और भरोसेमंद है। और यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स हमने पहले बताया मुंबई और कोलकाता में इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। तो आप अगर मुंबई कोलकाता में है तो सिंपली कमेंट करें फटाफट कि कहाँ कौन कौन से शहर में अवेलेबल है। वीरा इंटरनेशनल की बात करें तो वीरा इंटरनेशनल जेन्युइन कंसल्टेंसी जो कि होटल इंडस्ट्री के लिए स्पेशली जानी जाती है। इस कंसल्टेंसी में जो भी रिक्वायरमेंट आता है परसेंटेज होटल इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया जाता है। ये भी लीडिंग ग्रुप ऑफ कंपनी कतर का ये रिक्वायरमेंट टोटल कंप्लीट फ्री रिक्वायरमेंट नो सर्विस चार्ज कोई सर्विस चार्ज यहाँ आपको पे नहीं करना है। क्लियरली मैंशन किया गया नो सर्विस चार्ज नो फी नो सब एजेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 26 तारीख को 12 बजे ऑनवर्ड। क्लीनर यूटिलिटी एंड जनरल असिस्टेंट किचन स्टूअर्ट पोस्ट वॉश एंड रूम बॉय का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया प्लस फूड रहेगा। एसएससी पास होना चाहिए बंदा इंग्लिश आनी चाहिए अच्छी। अब अगर सब कुछ सही है तो अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो। जरूर अप्लाई करें। जेन्युइन कंसल्टेंसी 100% भरोसेमंद है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया अलीसुब जॉब्स की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि जेन्युइन कंसल्टेंसी का ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर फॉर सऊदी अरब एसेंशियल फ्री रिक्वायरमेंट है। ये भी बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है कोई चार्जेस पे नहीं करना है आपको। जॉब टाइटल की बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपर और भी बहुत सारी पोजीशंस का रिक्वायरमेंट है कंप्लीट आप रीड कर सकते हैं। पेपर चाहिए पेपर टेलीग्राम में अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एलिसिव जॉब पर रजिस्टर्ड करें आप www.elusivejob.com/apply पे तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर मेल आईडी यहाँ पे अवेलेबल मेल आईडी के थ्रू मेल करें। कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज हो वेबसाइट विजिट करें क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सल्टेंसी 100% जेन्युइन और भरोसेमंद है। ये मुंबई के रजिस्टर्ड है MUA मुंबई 1000+4 की रजिस्टर्ड है 2007 की रजिस्टर्ड और भरोसेमंद कॉन्सल्टेंसी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है डायनेमिक की तरफ से जो कि जेन्युइन कंसल्टेंसी का ये रिक्वायरमेंट है। हायरिंग फॉर इराक ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का ये रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट के पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कोरियन क्लाइंट का यानी कोरियन कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। HSC ऑफिसर PC ऑपरेटर HSC इंजीनियर HSE सुपरवाइजर एंड प्रोसेसमेंट ऑफिसर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी के थ्रू मेल करें। कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करते हैं डायनेमिक अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है। और इसके रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हैं DEL दिल्ली की रजिस्टर्ड है 1000+5 और 1984 की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है। भरोसेमंद है भरोसा कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया साउंड लाइन की तरफ से रिक्वायरमेंट जो कि जेन्युइन कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। अर्जेंटली रिक्वायर फॉर द लीडिंग एविएशन एंड मूविंग सिस्टम कंपनी इन दुबई दुबई का ये रिक्वायरमेंट है। पोजीशंस की बात करेंगे एलिवेटर टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट एलिवेटर टेक्नीशियन को बहुत सारा मैसेज आया था जो कि भाई मैसेज कर रहे थे कि एलिवेटर टेक्नीशियंस का कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताया। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया हुआ है चेक कर सकते हैं। एलिवेटर मेंटेनेंस ट्रबल शूट टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के लिए का ये जॉब होगा तो आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लाइंट इंटरव्यू जो होने वाला है कितना 22 तारीख को होने वाला 24 को होने वाला 22 को इंटरव्यू होने वाला है इन चेन्नई में और 24 को इंटरव्यू होने वाला है इन कोची में। तो चेन्नई कोची से कोई हमें देख रहा है या नहीं आपके पास पहुंच रहा है या नहीं फटाफट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया। एक्सपीरियंस 2-3 से 5 साल होगा तो भी चलेगा। होल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। इंग्लिश आनी चाहिए बंदे को रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आना चाहिए। एज लिमिट 30 दिया गया इससे ज़्यादा एज लिमिट वाले को नहीं लिया जाएगा इससे ज़्यादा एज को। ये एक एज का लिमिट क्राइटेरिया सेट किया गया। अप्लाई करने के लिए सिंपली मेल आईडी के थ्रू मेल करें। कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी 100% जेन्युइन और भरोसेमंद है। अप्लाई कर सकते भरोसा कर सकते उम्मीद इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित है जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दुबई का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कंसल्टेंसी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बारे में ये वॉक इन इंटरव्यू इन 25 यानी कि फ्राइडे के दिन इंटरव्यू होने वाला है। AC चिलर टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मेंटेनेंस फील्ड में। HVAC इंजीनियर का रिक्वायरमेंट जो कि विथ चिलर एक्सपीरियंस होना चाहिए। काइंडली मेंशन करें पोजीशन सब्जेक्ट लाइन में। ये कंपलसरी है जब भी आप मेल करें तो सब्जेक्ट लाइन में अपना पोजीशन जरूर मेंशन करें कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
इससे क्या होता है रिप्लाई आने का चांसेस बढ़ जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं कंसल्टेंसी की, जो पीएनआर ट्रैवल्स की बात करते हैं हमेशा जो कि ठीक ठाक कंसल्टेंसी, उतनी तगड़ी उतनी ज़बरदस्त कंसल्टेंसी नहीं है। अगर आप एजेंट वेजेंट पे कहीं अप्लाई करते हैं उससे बेटर है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया सिंपली मुंबई का, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया यहाँ पे कोची का एड्रेस, दोनों जगह पे अवेलेबल है। सिंपली आप कहीं भी है तो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, मगर एजेंट से बेटर है ये अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसे इतनी कोई खास नहीं, 50-50 का इसका रिव्यू है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, रॉयल रीच की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि रॉयल रीच भी जेन्युइन कंसल्टेंसी है, ये केरल की रजिस्टर्ड और भरोसेमंद कंसल्टेंसी है, 5 स्टार इन सऊदी अरबिया, 5 स्टार रियाद होटल का कुछ रिक्वायरमेंट है ये, एफबी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट, एफबी डिपार्टमेंट का क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया, सैलरी के साथ में आपको बताया गया यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, कोल्ड किचन CDP एंड कोल्ड किचन CDDP का ये रिक्वायरमेंट है, कमिस 1, वेटर पेस्ट्री 1, पेस्ट्री CDP, HK डिपार्टमेंट, रूम अटेंडेंस ENG डिपार्टमेंट एंड मल्टी टेक्नीशियंस AC टेक्नीशियंस का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। यहाँ पे सैलरी प्लस ओवर टाइम यहाँ पे मेंशन किया, ओवर टाइम में ज़्यादा ध्यान नहीं था, बस सैलरी जो वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिटेल्स की बात करते हैं, यहाँ पर डिटेल मेंशन किया गया, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है पलकड़ा ऑफिस में होने वाला है 23 को, यानी 23 तारीख को इंटरव्यू होने वाला। अप्लाई करने के लिए सिंपली मेल आईडी के थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, +2 एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो अच्छी होनी चाहिए। कंपनी विल प्रोवाइड ड्यूटी मील्स एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, तो ड्यूटी के टाइम पर आपको खाना मिलेगा, यानी एक टाइम का खाना मिलेगा, बाकी दो टाइम का आपको खुद को देखना होगा। यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन किया गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, कॉलम नाम वगैरह सारा दिया गया, तो सिंपली चेकआउट कर सकता है। 35 एज लिमिट मेंशन किया गया, एज लिमिट पे हमेशा ध्यान दें अप्लाई करने से पहले, और ज़्यादा एज वालों के लिए भी जॉब है तो सब्र करें और एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग ऑस्ट्रिया कंपनी KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 23-24 तारीख होने वाला है मई में, इसी महीने में, और ये भी फ्री रिक्वायरमेंट है। कोई आज का जो भी रिक्वायरमेंट है परसेंटेज रिक्वायरमेंट फ्री रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल द प्रोसेस, अप्लाई करने के लिए मेल आईडी के थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो क्लियर कर सकते हैं। सुमन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात करें, जो कि दिल्ली के रजिस्टर्ड 1000+5 और 2012 की ये रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया, जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करते हैं, सेम कंसल्टेंसी के थ्रू ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, अर्जेंट हायरिंग फॉर द अरामको प्रोजेक्ट सऊदी अरबिया किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया KSA का ये रिक्वायरमेंट है। HR मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। इसके अलावा सेफ्टी मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है, मेल आईडी के थ्रू मेल करें, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज है सिंपली क्लियर कर सकते हैं मेल के थ्रू। कंसल्टेंसी जेन्युइन और भरोसेमंद है। रोलेक्स की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग अरामको प्रोजेक्ट का ये रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट इंटरव्यू जमशेदपुर टाटा में होने वाला है 28 तारीख को, यानी सैटरडे के दिन होने वाला है। और इसकी पोजीशंस की बात करते हैं, फिर बात करेंगे कंसल्टेंसी के बारे में, ऑफिस के बारे में बताएंगे कैसा है नहीं है। मल्टी वेल्डर का रिक्वायरमेंट 30 बंदों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, मेन लाइट फिटर एंड टाइल मेसन का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। कितने बंदों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया। इसके अलावा सैलरी यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपली 1500-1600 जो भी सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि फूड अलाउंस यहाँ पे दिया जा रहा है आपको 300 फूड अलाउंस, 8 आवर्स की ड्यूटी होगी यहाँ पे, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल टिकट कंपनी देने वाली, ये कंपनी है या सप्लायर है ये पहले क्लियर कर ले। और इसके अलावा बात करें कंसल्टेंसी की, तो ये रोलेक्स ट्रेवल जो कि जेन्युइन कंसल्टेंसी, बट यहाँ पे जो काम चल रहा है ये टाटा जमशेदपुर, जो कि सब कंसल्टेंसी के थ्रू काम चल रहा है, हो सकता है कंपनी छोटी हो या सप्लायर हो, तो ये ध्यान जरूर दे अप्लाई करने से पहले। तो ये था हमारा अब तक का कंप्लीट रिक्वायरमेंट, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, पहली बार चैनल विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। कुछ कमेंट्स की बात करेंगे तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कमेंट्स की बात करें यहाँ पे कुछ कमेंट्स है, ब्रजेश यादव लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी, उम्मीद करते हैं ब्रजेश जी आप अच्छे होंगे। अमनदीप हैप्पी लिखते हैं वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वेरी नाइस पर्सन एंड योर वॉइस वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, इट्स माई प्लेजर टू डू दैट। वसीम अहमद लिखते हैं सलाम अलैकुम भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी। प्रिंस गुप्ता लिखते हैं सर मैंने BCOM किया हुआ है अकाउंट वगैरह का। देखिए ऐसा है प्रिंस गुप्ता, ऐसा BCOM का बहुत सारा रिक्वायरमेंट आके ऑलरेडी जा चुका है, तो कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट रिक्वायरमेंट बताना और क्वेश्चन पोस्ट के बारे में बताना इतना ईजी नहीं होता, इतना याद भी नहीं रहता, एक्चुअली ये मैटर ये कि याद नहीं रहता उतना, तो उसको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, फिर से पूरा देखना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं मिलता पता है ड्यूटी के हिसाब से,
शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, कंटिन्यू डेली वीडियो वॉच करें, उसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता हो सकता है आपके लिए बेहतर हो, जरूर देखें। अतीबुल रॉक लिखते हैं, टावर करेंट ऑपरेटर का वैकेंसी हो तो बताइए। टावर करेंट ऑपरेटर का वैकेंसी आता रहता है, बराबर आता है, तो इसी में आता है। आपको वैकेंसीज जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नहीं पता लगेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट रिक्वायरमेंट, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो अपने भाइयों दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी सही जानकारी 100% जेन्युइन कंसल्टेंसी का नॉलेज हो और किसी भी तरह का धोखा फ्रॉड में ना पड़े। तो बचे रहें, सावधान रहें, एजेंट से थोड़ा दूर रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।